Assalamualaikum everyone, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, आप देख रहे हैं iTechCloud। तो आज की वीडियो में मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ Realme 8 और Infinix Note 10 Pro के बीच में। दोनों फ़ोन पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और दोनों फ़ोन की प्राइस बहुत अच्छी रखी गई है पाकिस्तान की मार्केट में। सबसे पहले मैं आपको Realme 8 की प्राइस के बारे में बताऊँ तो Realme 8 की प्राइस जो हमें दराज पर देखने को मिल जाती है वो 40,000 रुपये तक पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर आप इसको ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदेंगे तो आपको ये डिस्काउंट में 37,500 तक देखने को मिल जाती है। अगर Infinix Note 10 Pro की बात करें तो Infinix Note 10 Pro 30,999 रुपीज़ में पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया, जबकि जब आप इसको ऑफलाइन मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो ये ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट में देखने को मिलेगा 29,500 तक। ये Infinix Note 10 Pro आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान की मार्केट में 29,500 तक। और Infinix Note 10 Pro की प्राइस बहुत ही एग्रेसिव रखी गई है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी Infinix Note 10 Pro से वो हमें 35,000 लग रही थी, लेकिन Infinix ने इसको 30,000 की प्राइस कैटेगरी में लॉन्च करके बहुत कमाल कर दिया। अगर मैं आपको दोनों फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में बताऊं तो जैसे Infinix Note 10 Pro को IF अवार्ड मिला है इसकी डिज़ाइन के ऊपर, जबकि आप Realme 8 की बात करते हैं तो Realme 8 की भी यार बहुत कूल डिज़ाइन रखी गई है। बैक पे आपको एक डेयर टू लीप का ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। टू लीप की एक बड़ी ब्रांडिंग दी है Realme ने, मुझे लगता है ये Realme ने ब्रांडिंग की है, लेकिन टू पैटर्न में इसकी डिज़ाइन दी गई है। जहाँ पर डेयर टू लीप लिखा हुआ है वहाँ पे आपको वर्टिकल एक लाइन देखने को मिल जाती है, साइड पे इसका एक कलर दिया गया है। ये वैसे ये दो कलर्स में लॉन्च किया गया है ये Realme 8, एक इसका सिल्वर कलर है, दूसरा इसका है ब्लैक कलर, लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है ना बैक की यार वो बहुत ही प्रीमियम देखने को मिल जाती है Realme 8 की। यहाँ पे आप अगर उसके Infinix Note 10 Pro की बात करते हैं, Infinix Note 10 Pro में तीन कलर्स को लॉन्च किया गया है, ब्लू, पर्पल और नॉर्डिक सीक्रेट। इसका जो नॉर्डिक सीक्रेट कलर है यार वो बहुत ही कमाल कलर है, वो आपको एक मैट फिनिश जैसी लुक प्रोवाइड करता है। ओवरऑल दोनों की डिज़ाइन बहुत बेस्ट है और दोनों की डिज़ाइन बहुत कूल रखी गई है। दोनों फ़ोन के फ्रंट की बात की जाए तो जबकि Realme 8 पे आपको एक साइड पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है और Infinix Note 10 Pro पे आपको एक सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। दोनों की प्रोटेक्शन ग्लास। फ़ोन के डिस्प्ले की बात करें तो यार यहाँ पे आपको दोनों में 4G+ का डिस्प्ले दिया गया है। Realme 8 पे आपको 6.4 इंचेस का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पे आपको 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स देखने को मिल जाते हैं, 411 PPI डेंसिटी देखने को मिल जाती है और Realme 8 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको Realme 8 पे प्रोवाइड किया गया है। Realme 8 पे आपको HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है और 1000 निट्स टाइप दिए गए हैं। इस फ़ोन की माइनस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया, जबकि आपको Infinix Note 10 Pro पे एक 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश दिया गया है। यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जबकि Infinix Note 10 Pro पे आपको एक IPS डिस्प्ले दिया गया है। Infinix Note 10 Pro के डिस्प्ले की बात करें तो बड़ा डिस्प्ले है, 6.95 इंच का एक IPS डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, 1080 डिस्प्ले पिक्सल्स है, 387 PPI डेंसिटी है और वहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। अगर दोनों डिस्प्ले की बात करें तो मुझे लगता है Realme 8 का डिस्प्ले आगे, क्योंकि यहाँ पे आपको HDR10 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, 11,000 निट्स टाइप आपको प्रोवाइड किए गए हैं और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। बात बनती है इसकी प्राइस कैटेगरी में, जो Note 10 Pro की प्राइस कैटेगरी है वो उस प्राइस कैटेगरी में उसका डिस्प्ले जस्टिफाई करता है। अगर Realme 8 की प्राइस की बात करें तो ये भी अपनी प्राइस कैटेगरी में 20 लेवल का फ़ोन है, इसका डिस्प्ले भी अपनी प्राइस कैटेगरी में जस्टिफाई करता है, बस 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट नहीं है, वो अब आपके ऊपर है। अगर आपको IPS 90 हर्ट्ज़ के साथ चाहिए तो आप Note 10 Pro के पास जाएं, अगर आपको सुपर एमोलेड अच्छे कलर्स चाहिए तो आप Realme 8 के पास चले जाएं। आगे फ़ोन की बात करें तो दोनों फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। सॉफ्टवेयर्स की बात की जाए तो Realme UI जो सॉफ्टवेयर है वो Infinix के सॉफ्टवेयर से बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको Realme पे आपको कस्टमाइजेशन अच्छी देखने को मिल जाती है, कलर इन्हेंसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, ब्लॉगवेयर कुछ भी, मतलब कि Realme UI का सॉफ्टवेयर Infinix के सॉफ्टवेयर से बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर होता है। परफॉर्मेंस दोनों की सेम रहने वाली है, क्योंकि दोनों पे ही आपको Helio G95 का चिपसेट प्रोवाइड किया गया है। G95 इन दोनों प्राइस कैटेगरी में बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी भी है और इसका इस दोनों फ़ोन पे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे फ़ोन की बात करें तो कैमरा डिपार्टमेंट में भी सिमिलर फ़ोन होने वाले, क्योंकि दोनों फ़ोन में क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। दोनों फ़ोन का मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल है, दोनों फ़ोन में अल्ट्रा वाइड दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, दोनों में मैक्रो डेप्थ 2 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, तो कैमरा डिपार्टमेंट में ये फ़ोन इक्वली हैं। और दोनों फ़ोन की सेल्फी कैमरा भी आपको 16 मेगापिक्सल तक प्रोवाइड की गई है और दोनों फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी है, जबकि Infinix Note 10 Pro 33 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, Realme 8
30 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो ये थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अब मैं आपको बताऊं, 30,000 तक कोई भी फ़ोन चाहिए हो 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ IPS, लेकिन IPS पैनल है तो आप कंसीडर कर सकते हैं Infinix Note 10 Pro को। Realme 8 का डिस्प्ले यार बहुत अच्छा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और HDR 10 की सपोर्ट है, 1000 nits टाइप है, ऑलवेज ऑन जैसे डिस्प्ले, जैसे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो अगर आपको थोड़े पैसा ज़्यादा खर्चने हो 3,000 या 4,000, क्योंकि ये आपको यूज़ में 33 और 34 के बीच में पाकिस्तान की मार्केट में आराम से मिल जाएगा Realme 8। अगर आपको सुपर एमोलेड पसंद है तो आप डेफिनेटली Realme 8 के पास चले जाएं। अगर आपको 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट चाहिए वो IPS के साथ, तो आप Infinix Note 10 Pro के पास जा सकते हैं। दोनों फ़ोन अपनी प्राइस कैटेगरी में जस्टिफाई करते हैं, दोनों फ़ोन की डिज़ाइन भी अच्छी है, दोनों फ़ोन में कैमरा सेम है और दोनों फ़ोन की परफॉर्मेंस भी आपको सेम देखने को मिल जाती है, लेकिन बस डिस्प्ले पे Realme 8 इससे आगे चला गया है। तो आपकी क्या राय है इस दोनों फ़ोन के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।